नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट इमेज वर्ड के अध्याय में हम लोग सीख रहे हैं पिक्चर में हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों पिक्चर इफेक्ट। तो चलिए मैं कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, तब आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं पिक्चर को ले लिया, पिक्चर को मैं यहाँ से इधर कर सकता हूँ। चलिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ये आपको आउटलाइन का ठीक ना, पिक्चर बॉर्डर का। तो आज हम लोग सीखेंगे पिक्चर इफेक्ट में सबसे पहले प्रीसेट क्या होता है। कि खुद ये माइक्रोसॉफ्ट 2019 खुद एक शेप ऐसा आपको दे दिया है बनाकर, कि इससे आपको अगर आप इस सब फोटोशॉप में अगर आप बनाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। खुद प्रीसेट इसने आपको दे दिया, यहाँ से आप कुछ अपना ढंग से आप बना सकते हैं। इसमें से कोई भी प्रीसेट आपका पसंद नहीं है, जैसे इस पर मैं क्लिक किया आपका ऐसा बन गया। अगर आपका पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पर इसमें से प्रीसेट में कोई पसंद नहीं आपको आया तो फिर आपको यहाँ पर आकर नीचे देखिए 3D ऑप्शन में क्लिक करना है। तो आपको देखिएगा 3D ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इसको अपना ढंग से आप कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए चेंजिंग हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिएगा यहाँ पर आप दिखाई देगा आपको। देखिए इस तरह से कुछ अपन चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपन चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। हल्का हल्का प्रभाव पड़ रहा है आपको, मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। चलिए देखिए मैं जूम कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आके इसका देखिए लाइन, ठीक है, इसका देखिए लाइन, इसका रेड, इसे ग्रीन, कुछ ना कुछ आप अपना ढंग से कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आए, इसको चेंज करेंगे कलर तो आपको समझ में आएगा। इसको रेड कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पर भी आके इसको चेंज कर दीजिए इस तरह से, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको मैं कर दे रहा हूँ रीसेट करने के बाद हम लोग समझ गए प्रीसेट। अब आते हैं शेडो मतलब क्या होता है, परछाई, ठीक है ना। ये पिक्चर को मैं पूरा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ तब आपको समझ में आएगा, पिक्चर पूरा आपको दिखना चाहिए। छोटा कर लेता हूँ, पिक्चर हमको पूरा दिखना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद देखिए शेडो में परछाई, कोई भी आपको शेडो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से देखिए हल्का हल्का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे आउटर है, ई पट्टी का आउटर बोलेंगे, देखिए आउटर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा था पिक्चर शेडो कम था, कलर चेंज करने दीजिए तब आपको मैं बताता हूँ। कलर मैंने चेंज कर लिया है और इसको ट्रांसपेरेंसी, हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पिक्चर पाएंगे पिक्चर इफेक्ट पर, अब आपको देखिए देखिए ये आउटर है, हल्का हल्का आपको पता चल रहा है, इनर है, ठीक है ना। और ना तो शेडो, अब आते हैं शेडो ऑप्शन के पास, इसमें कोई पसंद नहीं आया। जैसे दोस्तों इसमें से इस शेडो कोई पसंद अगर आपको नहीं आता है, इसमें से कोई भी शेडो पसंद नहीं आया तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए शेडो ऑप्शन के पास। और यहाँ पर देखिए शेडो वहाँ पर से कोई एक चूज कर लीजिए, जो भी आपको देखिए नीचे वाला हमने चूज कर लिए, और शेडो को यहाँ पर देखिए कलर दे दिए। और कलर कितना चाहते हैं, कलर चाहते हैं मतलब पूरा हाईलाइट चाहते हैं, कम चाहते हैं। शेडो के यहाँ से आपको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, इसका भी कलर कितना चाहते हैं, ठीक है ना। इसका भी यहाँ पर देखिए साइज, इसका हम नीचे आते हैं, इसका साइज कितना रखना चाहते हैं, ठीक है ना। ब्लर इसका शेडो का इस तरह से, और हम शेडो हमको ऐसा चाहिए जो कि चारों दिशा में दिखाई देवे, ठीक है ना। तो देखिए चारों दिशा में आपको दिखाने वाला है,
जब इसको कम करते हैं तो पता चल जाता है। हो जाए देखिए यहाँ से सतर के साइज, इसका ब्लर, ब्लर कम कर देंगे तो एकदम इस तरह से इसका एंगल जैसे कर सकते हैं। जिस शेडो ले लेते हैं कोई और, जैसे शेडो ले लिए इधर वाला नीचे वाला, और नीचे वाला लेके इसको कर दिए रेड। देखिए नीचे वाला शेडो आ गया, इसका कम करेंगे, देखिए इस तरह से शेडो, इस तरह से एंगल इसको घटा बढ़ा सकते हैं, इस शेडो को हो गया ठीक है। अब यहाँ से बंद करते हैं शेडो को, हम लोग सीख लिए इसको, शेडो को कर देते हैं आप नन। अब नेक्स्ट हमको आते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब इसमें से कोई भी अगर पसंद है तो, यानी कि छाया मुझे पसंद है, अगर नहीं पसंद आया आपको तो फिर इसको आएंगे रिफ्लेक्शन ऑप्शन के पास, सभी का ऑप्शन है। अब यहाँ से इसी तरह से आप रिफ्लेक्शन यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, और नहीं तो प्रीसेट में से कोई चूज किया, नहीं तो फिर इसका आपको देखिए इसका ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसका ब्लर कितना चाहते हैं देखिए हल्का फिर कर सकते हैं, इसका डिटेंस कितना दूरी पर कितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं, समझ गए होंगे। इसको भी करते हैं ऑफ, अब इसको भी कर देते हैं नन, सब को कर देते हैं ऑफ, तब आपको समझाने में अच्छा होता है। फिर चलते हैं ग्लो, इसमें से कोई ग्लो आपको पसंद है ठीक है, कोई भी ग्लो ले लीजिए, ये ग्लो हम ले लिए। अगर हम कोई भी अच्छा नहीं लगा ग्लो तो फिर क्या करेंगे, मोर ग्लो पाके इसका कलर चेंज करेंगे। अगर इसका भी हमको पसंद नहीं आया ग्लो तो फिर क्या करेंगे, ग्लो ऑप्शन के पास आ जाएंगे। ग्लो ऑप्शन के पास खुल गया, यहाँ से आपको कलर ले लेंगे, यहाँ से साइज कम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, इस तरह से ग्लो का काम कर सकते हैं ठीक है। ग्लो भी हम लोग देख लिए, ग्लो के बाद ग्लो के भी कर देंगे नॉर्मल। उसके बाद हम लोग आएंगे सॉफ्ट एज, इसमें से कोई आप देख लीजिए बहुत अच्छा है, ये आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देता है इस तरह से, इस तरह से कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड रहेगा तो और हमको अच्छा लगता इस तरह, देखिए इस तरह से। अगर आपको बस इसमें भी पसंद नहीं आया तो फिर क्या करते हैं, फिर इसमें आ जाना आपको, इसमें आने के बाद यहाँ से भी इसका प्रीसेट चूज कर सकते हैं ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं देखिए इस तरह से ठीक है। चलिए इसको भी देख लिए, और इसको भी हम लोग नन कर देते हैं। इसके बाद आते हैं बेबल, बेबल मतलब क्या होता है, लगेगा एकदम मोटाई इसका बढ़ गया, देखिए फ्रेमिंग का ठीक है। अगर इसमें से कोई पसंद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, थ्रीडी ऑप्शन के पास आएंगे, और यहाँ से विथ हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से बढ़ा से देखें घट बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कम इसे ज़्यादा, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है ना, यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं जो भी अच्छा कर सकते हैं, और यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से भी इसमें से कोई भी आप ऑप्शन लेके इसका यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं नीचे तक है, आप ले लीजिए कोई भी एंगल, देखिए यहाँ पर भी देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर, इस तरह से कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लिए, अब यहाँ से बेवल को कर देते हैं ऑफ, और ऑफ करने के बाद इसको कर देते हैं नन, नन ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा 3D, अब देखिए रोटेशन की फोटो, इस सब फोटोशॉप में करेंगे तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा ठीक है। इस तरह से कोई भी इसमें से पसंद कर लीजिए, नहीं पसंद है इसमें से कोई पसंद कर लीजिए, नहीं पसंद है तो फिर हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें से कोई पसंद मुझे नहीं आया तो हम लोग चलेंगे फिर यहाँ पर 3D ऑप्शन के पास। अब देखिए 3D यहाँ से आपको पसंद आया तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ से देखिए इस तरह से घुमा सकते हैं गोले गोले इसको, इस तरह से उल्टा घुमा सकते हैं इसको, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं।
तो ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिक्चर लेआउट। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।